वेलकम बैक टू द चैनल। आज इतने दिनों बाद हम बाहर आए हैं और हम लोग आए हैं हमारे घर के पास ही एक चौपाटी है जिसको बोलते हैं गायमुख चौपाटी। काफी लोगों को पता रहेगा जो ठाणे से है। एक्चुअली अभी डेवलप किया है, यहाँ पे ऐसा फुटपाथ जैसा बना है जहाँ पे हम लोग हैंग आउट कर सकते हैं, बट अभी गेट लॉक होने की वजह से कोई भी वो साइड पे जा नहीं सकता। बट लोकेशन बहुत सही है और आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो यहाँ पे। लकीली यहाँ पे बहुत सारे खाने के लिए स्टॉल्स भी है, अगर आपको घर से लाना है तो सेफ्टी रीजंस के लिए आप घर से भी ला सकते हो। बट यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स है, अगर ये खुला रहता था ना तो मज़ा आ जाता था, है ना। वापस हम लोग के साथ देवयानी है, कौस्तुभ कहाँ पे? कौस्तुभ सो रहा है। थैंक्स टू सुशील एंड गिंजल, वो लोग मुझे यहाँ पे लेके आए एंड इट्स अ वेरी गुड व्यू। अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं है, अदरवाइज अच्छा हो जाता था। इसके पीछे ना, ये लोकेशन के पीछे एक स्टोरी है हमारे फ्रेंडशिप की। हमारी जब शादी हुई ना, उसके पहले जो न्यू ईयर था 31 दिसंबर को हम लोग आए थे साथ में, तब हम लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ भी बात नहीं किया था और ऐसे एकदम मुझे एटीट्यूड दे दी थी। तो मैं एटीट्यूड नहीं दे रही थी, सब लोगों में फर्स्ट टाइम मिलते ना तो सबको ऐसा लगता है कि मैं एटीट्यूड देती हूँ, बट ऐसा नहीं था। बट थोड़ा ऐसे कुछ बात करने के लिए था ना, तो हम लोग एकदम ऑकवर्डली खड़े थे। और आज देखो, अभी हम लोग फिर से हग करेंगे तो आप लोग नीचे कमेंट करोगे कि RIP सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए नहीं कर रहे, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छे थे। और गाइज, मैंने एक सिनेमेटिक वीडियो भी डाला था गायमुख का, तब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया था। और वो टाइम पे हम लोगों ने यहाँ से फ्लाई नहीं किया था, हम लोग पीछे के साइड गए थे और दिव्यानी और ये लोग भी, हम लोग सब लोग जब मिले थे तो हम लोग पीछे के साइड गए थे और रात के टाइम पे गए थे, तो वो भी व्यू बहुत अच्छा है। बट काफ़ी कम लोगों को पता है कि वहाँ पे कैसे जाने का, और वहाँ पे हम लोग ने एक सिनेमेटिक वीडियो बनाया था जिसका लिंक किंजल यहाँ पे या फिर यहाँ पे डाल देगी, आप चेक कर। क्या फोटो ले रही थी ना तुम? मेरा कॉन्शियस हो रहे हो ना पोस्ट देने के लिए सबके सामने। और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। अभी कुछ तो खाते हैं या फिर चाय पीते हैं, एटलीस्ट क्या खाना है आप लोग को? कितने टाइम बाद ना वड़ा पाव? 3 महीने बाद, 4 से 5 महीने बाद खा रही हूँ मैं तो। बंद है फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत, बाहर आके बहुत दिनों बाद मस्त लग रहा है। काफी सारे लोग हैं, एक्चुअली सब लोग इरिटेट हो गए रहेंगे घर पे बैठ बैठ के। चॉय गरम ये बोल रही है, ऐसा क्यों बोलते हैं? अपने माइंड में रह जाता ना, फिर अपन चॉय के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपन चॉय लेके आते हैं। उनका मार्केटिंग टेक्निक है वो। अरे अपन जब भी कॉलेज में थे ना, कॉलेज के टाइम पे, तो एक ट्रेन में ना एक बंदा आता था, कुछ अलग टाइप का वो चीज़ बेचता था, आई गेस वो गार्लिक पीलर है ऐसा कुछ तो था। तो पता है फुल ऐसे राइम करके चीज़ें बोलता था और एकदम जोर जोर से चिल्ला के बोलता था, और ना लिटरली लोग खरीदते थे उसके पास से। मतलब उसका टेक्निक था कि लोग अट्रैक्ट होते, हाँ लोग अट्रैक्ट होते थे और ले लेते थे उसके पास से वो चीज़ें। आपके सर पे एकदम आप एंजल लग रहे हो। 6:30 बज रहा है और ऐसा धूप है कि ऐसा लग रहा है कि 5 बज रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है धूप। हम लोग कब से सनसेट का वेट कर रहे हैं। मेरा फोटो तो निकालो एक। हम लोग अभी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे यहाँ पे और सामने से एक नेक्सॉन कार आया, वो भी ब्लू कलर का। 2 मिनट के लिए ना मुझे ऐसा लगा कि हमारा कार लेके कौन आया है। है ना, 2 मिनट के लिए मेरे को तो सीरियसली ऐसा लगा कि हमारा गाड़ी कहाँ से आ गया, है ना। एक्चुअली अपना गाड़ी आ रहा है। तो अभी यहाँ से जाते हैं और हम लोग जाएंगे एस्टेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और गर्दी बढ़ रहा है जैसे ही सनसेट का टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे जाके कुछ लेते हैं। ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है और मेरे को ऐसा ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील हो गया ना, तो मेरे को कुछ व्लॉग वॉक करते टाइम पे बोलने को होता ही नहीं है, क्योंकि पूरा पसीना आ जाता है। हाँ। और बहुत अनईजी फील होता है मुझे, उस रीज़न से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाता। Yes. बट लोकेशन बहुत सही है। एक्चुअली हम लोगों ने और थोड़ा लेट आ जाना चाहिए था ना। हाँ एक्चुअली अपन 6:30 बजे भी निकलते थे ना तो भी अच्छा होता था। कितना गर्म हो रहा था ना। देख ये टाइम पे जाना चाहिए था अपन ने। एक्चुअली ये टाइम पे अपन ने चौपाटी पे रहना चाहिए था। अगर एसिडिटी हो रहा है देखो कॉफी से, तो कौन सा कॉफी पाउडर यूज कर रही है? नेस्कैफे गोल्ड ट्राई कर या फिर डेविड ऑफ ट्राई कर। वो डेविड ऑफ से नहीं होता था मेरे को। हाँ के बीच में
क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है बट उतना ही वो उसका क्वालिटी जो है ना वो उतना ही बेटर है, तो तुझे उससे एसिडिटी नहीं होगा। क्योंकि मैं रोज पीती हूँ ब्लैक कॉफी, मुझे एसिडिटी का बहुत इश्यू है। और आपको तो इसके लिए होता है क्योंकि आप दूध के साथ कॉफी पीते हो। कनक लाइव है और हम लोग का सेकंड चैनल भी वापस आ गया है, रिकवर होके आज सुबह ही जस्ट आया है तो अभी वो लाइव है। क्या ले रहे हो आप? कॉफी। मैक कॉफी। मैं भी कॉफी। सबसे बेस्ट मैकडॉनल्ड्स है यहाँ का और बहुत ह्यूज है, मतलब जितने भी थाने में मैकडॉनल्ड्स है ना उसमें का, और रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है। मस्त एकदम। जब भी यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना तो यहाँ पे गर्दी होता ही है। कब से आना था ना, हम लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे। मस्त है, पूरा ग्लास का है। अनलकी है कि ऐसे आ रहे हैं, अंदर जाके बैठ नहीं सकते, बट बहुत सही है एकदम। पूरा नहा ही लेते। क्या कर रही है? थंबनेल बना रही हूँ। कभी भी करना पड़ता है ना काम, बाहर भी आ जाएंगे तो लोगों को सिर्फ मजा दिखता है, लोगों को ये काम नहीं दिखता। फर्नीचर के शॉप में जा रहे हैं क्योंकि इनको कितने टाइम से बार का लाउंजर लेना है। बार का लाउंजर मतलब अगर आप लोग फ्रेंड्स, हाँ, या फिर फ्रेंड्स देखा रहेगा, उसमें फ्रेंड्स में जोई और चैंडलर के पास जो चेयर रहता है ना वैसा टाइप का। थाने में एक फर्नीचर का शॉप्स का पूरा एरिया है तो वहाँ पे हम लोग देखने आए, अगर अच्छा रहेगा तो। पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि लेंगे कि नहीं, पर मेरे को काफ़ी टाइम से लेना है। मतलब मैं फ्रेंड्स, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था ना तब से मैं फ्रेंड्स देखता था। मुझे बहुत ये मतलब कि तू मेरे को चिढ़ा रही है, समझ नहीं रहा है। तो मैं तब से फ्रेंड्स देख रहा हूँ, तो तब से मुझे लेजी बॉय चेयर, तब तो घर वालों ने मेरे को कोई भाव नहीं दिया, उसके लिए अभी देखते हैं। अभी जाके ठंडा हवा आ रहा है, इतनी देर इतना गर्म हो रहा था ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पे हम लोग। रिक्लाइनर तो देखा बट पता नहीं लेने का हम मन है कि नहीं। सर मन तो बहुत है, देखेंगे। हाँ। उसका वारंटी सब पता होना चाहिए। अगर आपको किसी को पता रहेगा रिक्लाइनर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मुझे लेने का तो बहुत मन है। हाँ। बट अगर आपको पता है कि रिक्लाइनर है आपके पास या फिर किसी के पास है और क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर क्यों लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। रिक्लाइनर चेयर के बहाने मेरा सोफा का काम हो गया। सोफा टूट गया था, उसका बीच का लेग टूट गया था तो वो करना था, और उसके कुशन पूरे खराब हो गए, कुशन कवर एक्चुअली पूरे खराब हो गए थे तो हम लोगों ने वो भी कर दिया। और बहुत सही डिजाइन मिला है ना, कितना क्यूट है ना डिजाइन। अच्छा। एकदम प्रिटी है। ऑलमोस्ट ना पूर्णिमा है क्या? हाँ कल है पूर्णिमा। आपकी बहन का पार्सल आ गया राखी। बहुत दिन बाद ऐसा लगा कि संडे था आज, है ना, एक्चुअल संडे जैसा लग रहा था। एडिटिंग का काम सारा कम हुआ है तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। दो ये सब पकड़ने की आदत है हाथ में, दो मेरे को। अरे वो गया ना, गिरा है केला, गिरा है अभी खराब केला का। मेरा आउटफिट ऐसा हम आपके कौन वाला नहीं लग रहा है, क्या दिखता ना वाला। कितने सारे टी शर्ट? तीन राखी भेजे उसने। हाँ, एक ये भेजा है, एक मेरा है आई गेस, और ये देखिए कैमरा वाला राखी। ये सो क्यूट। नाइस नाइस, जी फॉर जीनियस, वाओ। आई फील ये तेरा है कि मेरा ही है? नहीं, सब आपके लिए, इतना बड़ा टी शर्ट मेरा है। ये शर्ट है, नहीं ये तेरे लिए है। हाँ ये तेरा है, वंडर वुमन का। पागल है, मेरे लिए क्यों भेजा, बहुत क्यूट है और स्पेशली वंडर वुमन का है। थैंक यू प्रेरणा, बहुत अच्छे थे दोनों भी टी शर्ट, बहुत सही लगे। किंजल को ये वाला टी शर्ट अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली ये वाला टी शर्ट अच्छा लगा क्योंकि जी मतलब जीनियस जो मैं हूँ तुझे पता ही है, तुझे मैंने बहुत लाइफ लेसन दिए है। तो वो कैलीग्राफी का फोटो जो उसने वॉन्डरिंग माइंड्स का मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो वो जो है वो प्रेरणा ने, मतलब मेरी बहन है वो, उसने बनाया था, तो उसने ही मुझे ये आज टी शर्ट भेजा है। कल रक्षाबंधन है तो उसने आज ये दो टी शर्ट और एक टी शर्ट किंजल के लिए भेजा। मस्त है।
सो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, हम लोग यहीं पे व्लॉग एंड कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था और आज एक्चुअली फ्रेंडशिप डे है तो सभी लोगों को, क्योंकि आप सब लोग भी हमारे फ्रेंड हो, तो आप सभी लोगों को हमारे तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। राइट, और मैंने जैसे बोला अगर आपको रिक्लाइनर के बारे में कुछ आइडिया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और एक चीज़, अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड पता है जो मुंबई में या फिर ठाणे में मिलता है और आपने यूज़ किया है अगर, या फिर आपको उसके रिव्यूज़ पता रहेंगे तो वो भी मुझे बताओ, तो मैं वो सर्च करके देख लूँगा। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बाय।